फेंका तो और कहाँ फेंकूं? मगर इसे बास्केट में फेंकना चाहिए था। ये तुम क्या कर रहे हो? छिलके नीचे क्यों फेंक रहे हो? डस्टबिन दूर है इसलिए। मगर नीचे नहीं फेंकना चाहिए। स्वीपर अंकल आए नहीं और ये हाल हो गया, बहुत गलत बात है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। ये कहाँ से लिया है पता है? हाँ पता है मुझे। हाँ कहाँ से? तारिक अंकल अच्छा? लाए हैं। उन्होंने कहाँ से लिया? जाहिर सी बात है, तारिक अंकल लाए तो अपनी दुकान से ही लाए होंगे। क्या कर रहे हो तुम? नीचे क्यों फेंका? तो और कहाँ फेंकूं? मगर इसे बास्केट में फेंकना चाहिए था। बास्केट दूर है, मुझसे नहीं जाया जाता। मैं पकड़ लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, अकेले नहीं पकड़ सकती। मैं अकेली ही पकड़ लूंगी। तो पकड़ो बे। ये तुम क्या कर रहे हो? छिलके नीचे क्यों फेंक रहे हो? डस्टबिन दूर है इसलिए। मगर नीचे नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होता, स्वीपर अंकल खुद ही उठा लेंगे। मैं जान और मेरी प्यारी अम्मी, बाबा दादी अम्मी प्यारी मरियम और एक अकलमंद हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? पीनट खा रहे हैं। छिलके नीचे क्यों फेंक रहे हो? जाओ डस्टबिन में जाके फेंको। स्वीपर अंकल खुद ही सफाई कर लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, एनी ने कहा है। स्वीपर अंकल डस्टबिन में से भी उठाते हैं ना? तो वो यहाँ से भी सफाई करते हैं ना? हाँ ये तो है। तुम भी पीनट खाओगे क्या? हाँ जरूर। ये लो, तुम भी नीचे फेंको, ऐसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है। सबने गन बाहर ही फेंकना शुरू कर दिया। अम्मी बाबा जानी बाहर देखे जरा, पार्क में तो बहुत ज्यादा गंद है। बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है। हाँ ठीक कहा, कमाल भाई से बात करते हैं। स्वीपर बीमार है इसीलिए इतना गंद फैला हुआ है। आज ही का दिन है बस, कल तक सारी सफाई कर देगा वो। हाँ लेकिन मसला तो हो गया है। वैसे कमाल भाई ऐसा कैसे हो गया, इतना ज्यादा कचरा अचानक कैसे हो गया? मैं भी आज सुबह ही आया हूँ, ये सब देख के बहुत हैरानगी हुई। समझ गया, तो फिर एक काम करते हैं, खुद ही थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं ताकि कचरा कुछ तो कम हो जाए। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, क्या कहते हैं आप, मिलकर सफाई करेंगे? वाकई बहुत अच्छी बात है। ठीक है।
पहले थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में खेलेंगे। नहीं, अभी खेलेंगे, बाद में रेस्ट करेंगे। यहाँ पर तो बहुत गंद है। कितनी स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा बू आ रही है। सुपर अंकल ने सफाई नहीं की अभी तक। सफाई नहीं की उन्होंने? हाँ, अभी तक सफाई क्यों नहीं मुझे की? मुझे नहीं पता, मुझे तो मैथ ने कहा था। तुम लोग कैसे हो दोस्तों? हाँ, ये यहाँ का क्या हाल हो गया है? स्वीपर अंकल ने साफ नहीं किया, अब खुद ही करो। लेकिन खुद ही कैसे करें? उफ, स्वीपर अंकल ने सफाई नहीं की, अब क्या होगा? तो बहुत ज्यादा गंद इकट्ठा हो गया है। मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि नीचे कुछ भी नहीं फेंकते, अगर तुम फेंकोगी तो बाकी बच्चे भी फेंकेंगे और इसी तरह बच्चे नीचे कचरा फेंकना शुरू कर देंगे। एर्नी ने नीचे फेंका तो हमने भी नीचे फेंक दिया। मुझे क्यों कहते हो तुम लोग, पहले मैंने शुरू किया था। मैं तो खुद नहीं चाहती थी नीचे गंद फेंको। अच्छा, तो फिर कचरा फेंका क्यों? मैं तो नहीं फेंक रही थी, लेकिन एवनी ने कहा स्वीपर अंकल खुद उठा लेंगे, इसी वजह से मैंने भी नीचे कचरा फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन अम्मी ठीक ही कहती थी। हाँ? ठीक है तारिक भाई। वो देखो सफाई कर रहे हैं। चलो हम भी उनकी मदद करते हैं। हाँ, चलो। बोलो बेटा। कल मैंने भी कूड़ा बाहर ही फेंका था। सच में तुमने ऐसा किया? तुमने भी कूड़ा बाहर फेंका? जी हाँ अम्मी, मुझे कल एलिफ ने कहा था। उसने कहा स्वीपर अंकल खुद ही उठा लेंगे और कहा कि उससे कुछ भी नहीं होता। तोना ने भी यही कहा। मैं समझ गई हूँ, उन्होंने सोचा कि स्वीपर अंकल खुद ही सफाई कर लेंगे और सब फेंक दिया। स्वीपर अंकल आए नहीं और ये हाल हो गया, बहुत गलत बात है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, उनको इस बात का नहीं पता था। गलती मान लेना बहुत अच्छी बात होती है, आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे और इस बात का ख्याल रखोगे, है ना? जी हाँ बिल्कुल, दोबारा से नहीं करूँगा, कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकूँगा। शाबाश मेरे प्यारे बेटे। सब कुछ पहले की तरह हो गया है ना जान? हाँ जी। स्वीपर सब कुछ उठा कर ले जाएगा, ये सोचकर तुम लोगों ने गंद फेंका है ना? जी हाँ, पर स्वीपर अंकल के ना आने की वजह से ये हाल हुआ। एक बात बताऊँ तुमको? जी हाँ। स्वीपर अंकल आए थे लेकिन इतना सारा कचरा देखकर वापस चले गए। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, हमें खुद भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि स्वीपर अंकल पर काम का ज्यादा बोझ न पड़े और वो अपना काम आसानी से कर सके। आज के बाद सभी डस्टबिन के अंदर कूड़ा डालेंगे। वेरी गुड, लो तुम्हारी अम्मी भी आ गई। ले जी, मजेदार जूस तैयार है। ये एंजॉय करें। और सुनाए कैसे हैं कमाल भाई? ठीक हूँ शुक्रिया। कैसे हैं आप स्वीपर अंकल? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बच्चों। मुझे पता चला कि कचरा नीचे नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद मेरे सभी दोस्त और मैं भी पूरा डस्टबिन में फेंकते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा, अभी मेरे बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।